गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पाठ 5 के प्रश्न उत्तर बुक में ही करेंगे। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वह दिन भर अंडों की रखवाली के लिए घोंसले में बैठी रहती। यहाँ वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर, चिड़िया के लिए। ब, वह दिन भर क्या करती थी? उत्तर, अंडों की रखवाली। स, वह कहाँ बैठी रहती थी? उत्तर, घोंसले में। प्रश्न नंबर ख, तभी एक कौवा उस पर झपटा। उसने कौवे को आता देख लिया था, वह फुर्ती से पेड़ की डाल पर जा बैठी। यहाँ उसने तथा वह शब्द किसके लिए आए हैं? उत्तर, चिड़िया के बच्चे के लिए। प्रश्न नंबर ब, उस पर कौन झपटा? उत्तर, कौवा। प्रश्न नंबर स, वह फुर्ती से कहाँ जा बैठी? उत्तर, पेड़ की डाल पर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको पंक्तियों में उत्तर देने हैं। घोंसले में क्या था? उत्तर, घोंसले में अंडे थे। प्रश्न नंबर ख, जब कोई कौवा घोंसले के पास आता तो चिड़िया का साथी क्या करता? उत्तर, जब कोई कौवा घोंसले के पास आता तो वह शोर मचाकर सब चिड़ियों को बुला लेता। प्रश्न नंबर ग, नन्ही लड़की ने क्या देखा? उत्तर, नन्ही लड़की ने चिड़िया के बच्चे को देखा। प्रश्न नंबर घ, कौवे को आता देखकर चिड़िया के बच्चे ने क्या किया? उत्तर, कौवे को आता देखकर वह फुर्ती से उड़कर पेड़ की डाल पर जा बैठा। प्रश्न नंबर 3, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। चिड़िया दिन भर अंडों की खाली स्थान में हम लिखेंगे रखवाली के लिए घोंसले में बैठी रहती। ख, चिड़िया चोंच मारकर कौवे को भगा देती। ग, बच्चे को दिखाने के लिए चिड़िया ने लंबी उड़ान भरी। घ, नन्ही लड़की उसे दूर तक जाते देखती रही। प्रश्न नंबर 4, बच्चों यहाँ सीक्वेंस थोड़ी गलत हो गई है, आपको प्रश्न नंबर 4 लिखना है। यहाँ पर सही कथनों के सामने सही का तथा गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाएंगे। पहला, क, चिड़िया का साथी चिड़िया के लिए भी दाना लाता था। सही, शोर मचाने पर चिड़िया अपने बच्चों को डांटती थी। गलत, लड़की ने देखा कि चिड़िया का बच्चा मुंडेर पर आ बैठा है। सही, घ, एक कौवा चिड़िया के बच्चे पर झपटा। सही। प्रश्न नंबर 5, ठीक उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। क, चिड़िया ने घोंसले में क्या दिए? अंडे। तुम्हारे दूसरे बच्चे कहाँ हैं? ये शब्द किसने कहे? लड़की ने। ग, जब चिड़िया दाना चुगने जाती तो बच्चों की रखवाली कौन करता? चिड़िया का साथी। भाषा बोध। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे शब्दों को अपने वाक्यों में लिखिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों ये आप अपने अकॉर्डिंग वाक्य बनाएंगे। प्रश्न नंबर 2, दिए गए पहले शब्द की तरह शब्द लिखिए। खिलाता, खिलाती। डरता, डरती। मारता, मारती। करता, करती। चलता, चलती। उड़ता, उड़ती। देखता, देखती। फड़फड़ाता, फड़फड़ाती। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चा, बूढ़ा। ऊपर, नीचे। देना, लेना। हंसना, रोना। पक्का, कच्चा। सोना, जागना। प्रश्न नंबर का और की का सही प्रयोग कीजिए। चिड़िया का साथी, ऐसे ही अंडों की रखवाली, चिड़िया का बच्चा, पेड़ की डाल, बच्चे का भोजन, बच्चों की रखवाली। पढ़िए और समझिए, ये भी करना है आपको, रीड आउट करना आपका। फिर है नीचे कुछ करने के लिए आपको क्या दी? वर्क फाइल ही दी है। इसमें कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, जैसे मैम ने सर्कल बनाया है वैसे आपको सर्कल बनाना है, उनको छाट कर इधर लिखना है। इनके नंबर की सीक्वेंस थोड़ी गलत हो गई है तो आप इनको ठीक कर लेना, जैसे मैम ने किया है। पहला कबूतर, तोता, उल्लू, कोयल, चील, सारस, बतख। नंबर 7, 8 आपको नहीं करना है। धन्यवाद।